आज यहाँ पर पूरी संडे राइड का हेल लग चुका है क्योंकि बारिश भी आ गई। फाइनली मेन पॉइंट पे तो गाइस चलिए हमारे साथ पैराडाइज लीग पे। आप स्लिप देखो रियल चाय असम मतलब टी। इसको पीना चाहिए। ये असम का टी है ना। हालत देखिए हमारी इतना थक गए पूरी दुनिया के ऊपर है हम लोग। A few moments later. कैसे हो आप लोग, उम्मीदें बढ़िया ही होंगे। गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जाने वाले हैं संडे राइड के लिए। और आज संडे है तो संडे राइड तो बनता ही है, तो सभी राइडर यहाँ पर है। अभी चलेंगे हम लोग संडे राइड के लिए। तो आज जाएंगे हम लोग पैराडाइज लीग पे, दूर है, तेजपुर रोड पे पड़ता है वो जगह। तो अभी चलते हैं वहाँ पर क्या होता है और क्या नहीं सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी सीधा बाइक पे मिलते। और गाइज मैं तो इंट्रो देना ही भूल गया, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू ब्लॉग। और चलते हैं अभी रास्ते पे, सभी राइडर आगे चले गए, हम पीछे ही है। तो वहाँ पर जाके दिखाते हैं, अभी वीडियो को ऑफ करते हैं। गाड़ी में फ्यूल भी काफ़ी काम है, तो आगे सामने पेट्रोल पम्प है और काफ़ी राइडर लोग भी पेट्रोल नहीं है उनके पास भी, तो पेट्रोल वगैरह डालते हैं उसके बाद या सीधा निकलेंगे माधव की ओर। तो अभी पेट्रोल डालते पेट्रोल पम्प के सामने हम कुछ देर और इस्टे करेंगे क्योंकि हमारा एक दोस्त है जो कि आ रहा है बाइक लेके, तो उसके लिए भी थोड़ा रुकना बनता है। तो सब राइडर भी इधर है देखो, और इस जगह का व्यू देखो, हाईवे के पास है हम लोग। पेट्रोल पंप अभी यहाँ पर रुकने के बाद और कहीं रुकेंगे नहीं, सीधा पैराडाइज लीग। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, सब लोग सामने टोल गेट भी है और सभी राइडर आ गए हैं। तो गाइस सभी राइडर यहाँ से निकल रहे हैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर पैराडाइज लीग पे, और सामने टूल गेट भी है। और यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि आपको तो पता ही है मेरा माइक जो मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से वो ख़राब निकला, तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल तो मैंने ऑर्डर पे लगा दिया, आ जाएगा न्यू वाला देखते आगे। A few moments later. आज यहाँ पर पूरी संडे राइड का हेल लग चुका है क्योंकि बारिश भी आ गया। और ध्यान आना इधर, कुछ बोल। क्या बोलूँ भाई, हमें तो वहाँ छोड़ के आ गया था, बारिश में हेमलेट भी नहीं था हमारा पास। बारिश में है ना रॉकेट की तरह आके आग में लग रहा है ना, तो बहुत ही मतलब इधर रुके स्टे करते हैं, तो जो खत्म होने के बाद यहाँ से निकलेंगे हम। A few moments later. तो वहाँ पर काफ़ी मस्ती करने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं। फाइनली बारिश थोड़ा रुका था। तो फाइनली गाइज हम लोग नुआगांव बाईपास के सामने आ चुके हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम राइड करने के बाद, और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हम लोगों ने ठान लिया था कि बारिश में ही राइड करेंगे, तो हम लोग पूरा भीग चुके थे। तो अभी हमको जाना था पैराडाइज लीग पे, तो पैराडाइज लीग का रास्ता तो तेजपुर रोड से होके जाना पड़ता है। तो अभी चलते हैं वो तेजपुर रोड पे। A few moments later. तो आप लोग मतलब हम लोग अभी पैराडाइज लेक के सामने हैं, मतलब जाने ही वाले, और बारिश में क्या हालत हो गई हमारी देखो, सब राइडर की देखो हालत देखो, ये देखो बाइक सब का इधर रखा हुआ है, ये देखो सबकी हालत देखो देखो देखो। लीक के ऊपर हो चुका है सब कुछ, खाना वगैरह ख़त्म। तो अभी सामने पैराडाइज लेक है, तो अभी जाएंगे वहाँ पर। चाय वगैरह तो मिला नहीं, बहुत ठंड लग रहा था, तो अभी जो मिला उसको गुजारा करके तो हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस चलिए हमारे साथ पैराडाइज लीग पे आप लोग भी।
यहाँ का व्यू का नज़ारा ले और वीडियो पे बने रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना क्योंकि अगला वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँचेगा अगर प्रेस कर। और गाइस वीडियो को स्किप मत करना, यहाँ तक देख लिया हो तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, आगे तक बने रहे वीडियो पे क्योंकि आगे उससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और राइडर सभी पीछे देखो कितने सारे राइडर हैं और रोड कितना ख़राब है और बहुत ही गीला हो चुका है क्योंकि बारिश मतलब बंद हो ही नहीं रहा। रोड देखो गाइस इतना स्लिप कर रहा, टायर तो है ही नहीं मेरा गाड़ी का। आप लोग तो जानते होंगे गाड़ी का टायर बहुत ही ख़राब हो चुका है, मैं चेंज करने वाला हूँ। तो बारिश में चलाना बहुत ही मुश्किल है, जिसका टायर हो तो चला सकता है, मेरा टायर ही नहीं है। रोड देखे पूरा गाड़ी का कपड़ा का हर चीज़ का माँ बहन हो गया। तो देखो देखो कैसे स्लिप हो रहा है, पर फिर भी तो जाना है, तो ठान लिया तो जाना ही होगा। जंगल देखो गाइस, जंगल की रोड शुरू हो चुकी है, सामने ही पैराडाइज लेके वो पहाड़ जो दिख रहा है ना आप लोगों को वहाँ पर है पैराडाइज लेके। थोड़ा जूम करके दिखा दो, थोड़ा दिखा दो, देखो सभी राइडर कैसे जा। और गाइस ये रोड इतना ख़राब है ना क्या बोलूँ, और ऊपर से बारिश भी गिरा है तो रोड का तो भाई गया, मतलब रोड नहीं रहा, इतना ख़राब हो चुका। और गाड़ी का टायर वगैरह इतना स्लिप कर रहा था ना क्या बोले, बहुत ही मुश्किल से हम उस जगह पे पहुँचे। और एक बात, ये तो रोड ही नहीं है, ये तो मतलब जंगल के बीच से हम लोग जा रहे हैं ना, तो जंगल के बीच में छोटी छोटी जो रोड होती है ना इस टाइप का रोड है, तो बहुत ही ख़राब है। फाइनली हम लोग स्लिप देखो गिरने वाले थे, बहुत ही अच्छा मिसल भी बनता है देखो। तो गाइस यहाँ के शोर को इग्नोर करना क्योंकि ये लोग बहुत चिल्लाते हैं, इनको कौन रोके। हम पैराडाइज लीक की तरफ बढ़ रहे हैं पैदल, यहाँ पर देखो सब जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग यहाँ तक पैदल आ चुके हैं, सामने शायद पैराडाइज लीक है। व्यू देखिए, बारिश में पूरा भीग के मतलब सब कुछ गया, बाल वगैरह सब कुछ गया। फाइनली गाइस पैराडाइज लीक, लेट्स सी। यहाँ से दौड़ दौड़ के मैं ऊपर जाऊंगा। ये जगह यहाँ पर भूतों का राज है। बारिश हुआ है इसलिए पानी का हालत। और गाइस यहाँ तक आते आते हम लोग बहुत थक गए थे क्योंकि बाइक ऊपर अलाउ नहीं है, उधर ही मतलब छोड़ के आना पड़ता है। और टिकट वगैरह बाइक का 40 पड़ा है हमको दो जन का, और सब लोग मतलब मिला के हम लोगों ने दिया वहाँ पर। पैराडाइज लीक के सबसे एंड ऊपर तक जा रहे हैं, देखिए ऊपर देखिए कहाँ तक हम आ चुके हैं, बहुत ही ऊपर। दौड़ दौड़ के आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाइस, हालत देखिए हमारी, इतना थक गए, पूरा पहाड़ उठना आसान नहीं होता। हालत देखिए, मैं पूरा
जगह का व्यू देखिए क्या था ये। निकल रहे हैं अभी, भूख काफी लगी है, आपका रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं है तो अभी जाना होगा नौगांव पे, नौगांव पे जाके कुछ खाएंगे उसके बाद सीधा घर पे। तो अभी फाइनली इस जगह को टाटा बाय बाय कहते हैं, टाटा पैराडाइज लेक बाय बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर रोड देखिए गाइस। तो गाइज हम लोग पैराडाइज लीक को बाय बाय कहने के बाद फाइनली हम लोग घर लौट रहे हैं सब राइडर, और आते वक्त हमको एक रोड मिला है बहुत ही खूबसूरत, ऐसा रोड हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, सब लोगों ने ऐसा ही बोला, और इस रोड के बारे में जितनी तारीफ करें इतनी कम है, और इतना खूबसूरत रोड है ना क्या बोलूँ, जितना बगाए उतना कम है, बस बगाते रहो। तो गाइज इतना लंबा स्ट्रेट रोड हमने कहीं नहीं देखा, और आप लोग भी शायद ही कहीं देखे होंगे, तो 3-4 किलोमीटर लंबा स्ट्रेट रोड शायद ही कहीं पर होगा, हम लोग भी पहली बार देख रहे हैं, तो इस रोड का मज़ा ले और वीडियो पे आखिर तक बने रहे। तो गाइज ये रोड इतना अच्छा है तो हम लोगों ने यहाँ पर 130+ गाड़ी को भगाया, हमारे पीछे सब राइडर थे, हम सबसे आगे थे, और आज के लिए तो इतना ही, और मिलते अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो मस्त रहो सब लोग।